अर्जुन मेघवाल साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अर्जुन मेघवाल साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2023 नारी शक्ति बंधन जैसा बिल जिस पर आज आपने चर्चा की अनुमति दी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर भी दिया। इस अवसर पर इस चर्चा में करीब 60 माननीय सांसदों ने भाग लिया, श्रीमती सोनिया गांधी जी से लेकर के देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तक 60 माननीय सांसदों ने इसमें भाग लिया और बहुत सकारात्मक सुझाव भी आए। और इन सुझावों के आधार पर जो कुछ विषय रह गए थे उनके द्वारा मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। जैसे एक विषय अधिकतर चर्चा में आया, दिन भर से आ रहा है कि हमारी रैंकिंग महिला प्रतिनिधित्व में कम है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के डेटा के अनुसार विश्व भर में नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडीज में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 24% है, 24%। अभी भारत की लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15.1% है। इस नारी शक्ति बंधन विधेयक के पारित होने के पश्चात हम ग्लोबल एवरेज से ऊपर उठकर 33% महिला भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो ही ये हमारा रैंक भी बढ़ेगी, हमारी रैंक भी सुधरेगी। इसलिए करीब करीब सभी ने इसका समर्थन भी किया है, कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिकल रंग देने का प्रयास किया, उसके लिए माननीय गृहमंत्री जी ने अधिकतर जवाब दिया। एक दो बिंदुओं का मैं भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये G20 में भी तय हुआ और प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच भी है कि वुमन डेवलपमेंट से हमें वुमन लेड डेवलपमेंट की तरफ तेजी से बढ़ना है और इसी कड़ी का ये बिल है। मैं 3-4 मुद्दे जो और आए हैं, विशेष करके कुछ महिलाओं के नाम इस चर्चा में आए जो मातृशक्ति ने महिला अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने भी संघर्ष किया उन सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन कुछ भारत की महान परंपरा में नारी शक्ति का जो हमेशा से योगदान रहा है उनका भी मैं जिक्र यहां करना चाहता हूं। वेदी काल में गार्गी, अपाला घोषा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने उस काल में देश और समाज का नेतृत्व प्रदान किया। रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, रानी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई जैसी नारी शक्तियों ने समय आने पर अपने राज्य का नेतृत्व भी किया और अपने राज्य के शत्रुओं से अपने राज्य की जनता की न सिर्फ रक्षा की बल्कि विकास के भी नए कीर्तिमान गढ़े उन्होंने। ऐसी हमारी नारी शक्ति रही है। सावित्रीबाई फुले का नाम भी याद आया, रमाबाई, रानी गैडेनल्यू, भगिनी निवेदिता, रानी एनी बेसेंट, उषा मेहता, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली जैसी असंख्य नारी शक्ति ने आजादी के महासंग्राम में आगे बढ़कर नेतृत्व किया, अंग्रेजों से लोहा लिया, साथ ही नारी सशक्तिकरण और समाज सुधार के लिए प्राणपण से कार्य किया। मैं जिस राज्य से आता हूं, राजस्थान से, एक पर्यावरण की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई 363 महिला और पुरुष शहीद हो गए लेकिन पेड़ नहीं कटने दिया, ऐसी महिलाओं का भी हमें वंदन आज करने का अवसर है। मैं इस सर्वोच्च सदन में सुषमा स्वराज जी को भी याद करता हूं। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को आरक्षण दिए बिना, उनके प्रतिनिधित्व के बिना ये विकास की यात्रा अधूरी है। आज हम उनके सपने को साकार कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि महिला मां के रूप में होती है, उसे जननी कहा गया है और करुणा, ममता, दया, त्याग, समर्पण, प्रेम आदि महिला के स्वाभाविक गुण होते हैं। और जब महिलाएं आगे बढ़कर के नेतृत्व करेगी
अर्थात मातृत्व के साथ साथ नेतृत्व भी करेगी, तो इन गुणों के कारण निर्णयों में जो हम डिसीजन लेंगे उसमें संवेदनशीलता आएगी, सहजता आएगी, समाज और राष्ट्र की भलाई के तत्व स्वाभाविक रूप से परिलक्षित होंगे हमारे कानूनों में। आगे हम 2047 में भारत की आजादी के शताब्दी समारोह का उत्सव मनाएंगे, तब यह दुनिया भारत की विकास यात्रा में महिलाओं के नेतृत्व को महसूस करेगी। इसलिए आज जो आपने कार्य किया है, मुझे लगता है अमृतकाल की बेला में जिसका प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कई बार जिक्र करते हैं, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। दो तीन विषय और थोड़े टेक्निकल आए, जैसे डीलिमिटेशन के विषय में, ये डीलिमिटेशन एक्ट संसद ने बनाया, कई बार उसकी नहीं संविधान में संशोधन संसद ने किया, 82 में प्रावधान है। तो डीलिमिटेशन जो अधिनियम है उसके सेक्शन 8 और 9 में ये कहा गया है कि संख्या देख करके निर्धारण होता है, जिसका जिक्र अभी गृह मंत्री जी कर रहे थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये टेक्निकल चीजों में हम जब अगर जाएंगे तो कई बार आप शायद या तो ये चाहते होंगे कि ये टेक्निकल चीजों में ये बिल फंस जाए, इस बिल को हम फंसने नहीं देंगे अब, हाँ इस बिल को अब हम फंसने नहीं देंगे, क्योंकि वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिबेट में राजेश कुमार धारिया वर्सेस दास्तान पीएससी फिजिकली हैंडीक्राफ्ट और महिलाओं के लिए आरक्षण जो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि महिलाओं का आरक्षण का विषय हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है, आप कहते हो तुरंत दे दो, तुरंत डीलिमिटेशन भी नहीं होगा और तुरंत दे देंगे तो संविधान का अनुरूप नहीं होगा, तो क्या आप चाहते हो कि हम तुरंत दे करके इसको, जब आप तो चूंकि हम तो यहां पास करेंगे आपके सहयोग से पास होगा, लेकिन आप पीआईए लगा करके सुप्रीम कोर्ट में भी तो जाओगे, तो आप चाहते हो कि वहां बिल अटक जाए। इसलिए महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व देने वाला ये बिल है, आप सबने सहयोग किया, मैं आभार भी प्रकट करता हूं, लेकिन ये टेक्निकल बातों में अपने को इतना उलझना चाहिए, क्योंकि ये सब सोच समझ करके ही इस बिल के लिए प्रावधान किए हैं। इस बिल में महिलाओं के लिए आरक्षण हॉरिजेंटल के साथ साथ वर्टिकल भी है, क्योंकि पार्लियामेंट में एससी एसटी के लिए आरक्षण है, इसलिए परिसीमन जरूरी है, ये आपको समझना है। इसके अलावा जो विषय और भी कुछ सदस्यों ने रखे, जैसे एक विषय रखा कि डीलिमिटेशन क्या जरूरी है, सीट रीएडजस्टमेंट क्या जरूरी, आर्टिकल 82 में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका जिक्र निशिकांत दुबे जी भी कर रहे थे कि आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है कि रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट डीलिमिटेशन का ही पार्ट है, तो आप कैसे तय करोगे ये सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो वो उसको उनका काम है, अगर वैसे ही कर दोगे आप तो फिर आप पीआईएल में जाओ, कोर्ट में जाओगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब हम महिलाओं को इंतजार नहीं करना पड़े ऐसा पक्का प्रबंध कर रहे हैं, और ये महिला आरक्षण बिल हम लेकर के आए हैं। देखिए विपक्ष के समय भी, अभी राहुल गांधी जी बोल के गए, ये बिल पास कराने का समय था, लेकिन ये क्यों नहीं लाए, जो मुझे कई बार एक कोटेशन याद आता है, क्योंकि उनके पास ना तो नीति थी, ना नियत थी और ना नेतृत्व था। आज हमारे पास नीति भी है, नियत भी है और आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व भी है, इसलिए ये बिल आ रहा है और अभी पास भी होगा। और इस विषय में जो आपने जो टेक्निकल विषय रखे, मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि अमृतकाल का ये समय है, नए संसद भवन में पहला बिल वो भी नारी शक्ति वंदन का है, सभी दलों ने समर्थन किया, इसमें पॉलिटिकल स्कोर करके आप क्या इसमें करना चाहते हो, हमारे पास भी बहुत सी चीजें हैं। आपने अभी जिक्र किया कि ओबीसी के सेक्रेटरी कितने हैं, मैं भी आईएएस रहा हुआ हूं, मुझे इसकी जानकारी है, राहुल गांधी जी यहां रहे नहीं। अब 92 बैच में जो आया, नहीं यहां सदन में नहीं है, सदन में, हाँ सदन में नहीं है अनुराग जी, 92 बैच में जो आईएएस में आया वो सेक्रेटरी बनेगा, तो 92 बैच में राज किसका था,
सेक्रेटरी कैसे बनेगा? राज आपका ही था, आप अपने राज को ही कोस रहे हो। आप कभी कहते हो कि एससी एसटी के लिए आपने काम नहीं किया। अरे मैं बताना चाहता हूं जी, आपने बाबा साहब को 52 में चुनाव हराया, आपने बाबा साहब को 52 में चुनाव हराया, फिर भंडारा से वो उपचुनाव लड़ना चाहते थे वो भी आपने हराया, और आप संविधान सभा में भी नहीं आने देना चाहते थे, आपकी ऐसी नीयत है जी। आप ओबीसी समाज के भले की बात कर रहे हो, सारी बातें गृह मंत्री जी ने कह दी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सेक्रेटरी ऐसे ही बन जाते हैं क्या? और जैसे ठीक है गृह मंत्री जी ने किस नियम क्या है, सेक्रेटरी जो हम पॉलिसी बनाते हैं उनको लागू करने का काम करते हैं। बोलते हैं आप, जो पॉलिसी हम बनाते हैं उसको लागू करने का काम करते हैं सेक्रेटरी। सेक्रेटरी नहीं है तो सेक्रेटरी का समर्थन लो। तो ऐसा ऐसा करके डिबेट को जो डिबेट किया ये ठीक नहीं था। मैं अगला एक बिंदु कहना चाहता हूं। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हमें वोटिंग राइट दिया जिससे हम सशक्त हुए। बात एकदम ठीक है। जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो कुछ ऐसे कह रहे थे कुछ पढ़े लिखों को वोट दो, कुछ कह रहे थे कि एक बड़े साहूकार को वोट दे दो, कुछ गिन लो, ऐसी स्थिति आ रही थी। उस समय बाबा साहब खड़े हुए, बी आर अम्बेडकर, उन्होंने कहा हम एशिया और अफ्रीका के देशों को नेतृत्व देने जा रहे हैं, इसलिए हम ऐसा निर्णय करें। अडल्ट फ्रेंचाइज का निर्णय अगर किसी ने किया तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया, और उनके जिद के कारण हुआ, उनको भी आपने हराया। जब इतना बड़ा काम किया, संविधान का निर्माण कर दिया, संविधान की रचना करी, संविधान के शिल्पकार थे, उनको भी आपने हराने के काम किया, फिर यहां पॉलिटिकल स्कोर आप खड़ा करने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात कही गई है। हम आज महिलाओं को न्याय दे रहे हैं संविधान की प्रस्तावना में। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात कही गई, हम आज महिलाओं को न्याय दे रहे हैं। और प्रतिष्ठा, हाँ, क्यों पिछले बात करते सदन के अंदर, सदन का गुमराह करना चाहते हैं आप? एक सेकंड, ये फैक्चुअली करेक्ट है। जैसे राहुल गांधी को बीजेपी ने हराया, ये फैक्चुअली करेक्ट है। बाबा साहब के सामने जीत कराने वाले प्रत्याशी कांग्रेस के ही थे, तो कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या है, कुछ नहीं हुआ तो काहे को इतना आप चिंता कर रहे हो? भारत रत्न भी नहीं दिया और आप सेंट्रल हॉल में तेल चित्र भी नहीं लगने दिया। अरे सेंट्रल हॉल में अध्यक्ष जी तेल चित्र भी नहीं लगने दिया। मेरे पास रिकॉर्ड है, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का तेल चित्र लगने के लिए सेंट्रल हॉल में जगह नहीं है। और भारत रत्न तो दिया ही नहीं। बाद में जब वीपी सिंह के समय सरकार आई, जब अटल जी अडवाणी जी बाहर से समर्थन कर रहे थे, उस सरकार ने दिया भारत रत्न भी नहीं दिया बाबा साहब को, तेल चित्र भी लगने के नहीं दिया। दो बार चुनाव में हराया। बहुत से सदस्यों ने कहा था, सर मैंने एक किताब में बहुत स्पष्ट पढ़ा है, बहुत से सदस्यों ने कहा 52 में पंडित नेहरू जी को कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत विद्वान आदमी है, इनके सामने उम्मीदवार मत खड़ा करो। तो नेहरू जी ने कहा कि ये हमारा विरोधी है, ये दो ही पार्टियों की आलोचना करता है, बी आर अम्बेडकर, एक कांग्रेस की, एक कम्युनिस्ट पार्टी की, इसलिए हम तो इसको हराएंगे चुनाव लड़ करके। अरे ये तो फैक्ट है, इनके हिस्टोरिकल फैक्ट, इसमें क्या है, इसमें क्या नई चीज है, इसमें कोई नई चीज नहीं है जी। मैं ये कहना चाहता हूं, ये मैं करेक्ट बोल रहा हूं, एकदम करेक्ट बोल रहा हूं सर, मैं एकदम करेक्ट बोल रहा हूं। हमारे हमारे शांतनु ठाकुर साहब यहां एक एमओएस है, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, कैसे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए, किन लोगों ने वोट दिया, पूरा रिकॉर्ड है उनके पास। और आप देखिए, मैं विषय पे आता हूं।
मैं विषय पे आता हूं, मैं एक विषय पे आता हूं। हमारे एक माननीय सदस्य ने ये राइट टू वोट का विषय तो कई सदस्यों ने उठाया, इसलिए मुझे कहना पड़ा। राइट टू वोट का विषय तो कई सदस्यों ने उठाया, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि राइट टू वोट का अधिकार बाबा साहब ने हम सबको दिलाया। उन्होंने कहा पुरुष और महिला सबको एक साथ वोटिंग राइट मिलना चाहिए, वो वोटिंग राइट मिला। और उन्होंने ये भी कहा संविधान सभा में कि आप मताधिकार देकर के तो देखो। तो कई लोगों ने विरोध किया साहब, कुछ लोग अनपढ़ हैं, महिलाएं तो ज्यादा अनपढ़ है। उन्होंने कहा हमारी महिलाएं अनपढ़ हो सकती है, लेकिन जब मताधिकार का दिन आएगा तो वो होली और दिवाली की तरह ये दिन मनाएगी। आज जब मैं जाकर के देखता हूं पंचायत राज का चुनाव, आज मैं जाकर के देखता हूं नगर पालिका का चुनाव, आज मैं जाकर के देखता हूं विधानसभा का चुनाव, आज मैं जब जाकर के देखता हूं लोकसभा का चुनाव, महिलाएं जब सज धज करके आती है, और आपने भी कोटा में देखा होगा, वो सेलिब्रेट करती है साहब और बी आर अम्बेडकर को याद करती है। तो ये जो विषय आज आया कि बाबा साहब ने वोटिंग राइट दिया, मैं उन सदस्यों का भी सम्मान करता हूं। एक कांग्रेस की ज्योति मणि ने एक कटाक्ष किया कि महिलाएं, दलित महिलाएं पानी के लिए तरसती थी। अब दलित महिलाएं पानी के लिए तरसती थी तो ज्योति जी राज किसका रहा? अब तो हर घर में नल और उससे जल उपलब्ध कराने का काम मोदी जी कर रहे हैं। देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा 2019 का जो जनरल इलेक्शन हुआ, महिलाओं में जो जागृति आई, ये आंकड़े प्रमाणित हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि 2019 के जनरल इलेक्शन में जनप्रतिनिधि चुनने में महिला वोटरों की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रही। ये महिला जागृति है और आज हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, एक बिल पास कर रहे हैं, महिलाओं को और सशक्त कर रहे हैं। पुरुषों का मत प्रतिशत 67.2 रहा, वहीं महिलाओं का मत प्रतिशत 67.18 रहा। तो महिलाएं जागृत भी है और इस देश के प्रति एक अच्छा भाव भी रख रहे हैं। मैं अब एक, चूंकि बहुत सी चीजें आ गई है, मैं आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत लोकतंत्र की जननी, और आज हम इस लोकतंत्र के मंदिर में महिलाओं को उनका अधिकार देकर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक को पास करके, नारी शक्ति को वंदन कर रहे हैं, इसको पास करके भारत के प्रधान सेवक सच्चे कर्मयोगी साधक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की यात्रा में नया इतिहास रच रहे हैं। मैं अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से नारी शक्ति को हाथ जोड़ करके वंदन करता हूं। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अध्यक्ष जी हाथ जोड़ करके वंदन करता हूं। पंक्तियां क्या है? पंक्तियां, नारी शक्ति तेरा वंदन है, नारी शक्ति तेरा वंदन है, वंदन है अभिनंदन है, नारी शक्ति का मान बढ़ेगा, नारी शक्ति का मान बढ़ेगा, भारत का सम्मान बढ़ेगा, शान बढ़ेगी, आन बढ़ेगी, नारी की पहचान बढ़ेगी, सपनों को अब पंख लगेंगे, घर के आंगन तक नहीं रुकेंगे, नारी को अधिकार मिलेंगे, मिलजुल करके काम करेंगे, देश हमारा विकसित होगा, देश हमारा विकसित होगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा। जन जन अब जयगान कर रहा है। नारी शक्ति तेरा वंदन, वंदन है और अभिनंदन है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को आप कंसीडरेशन के लिए लें। बहुत बहुत धन्यवाद।